हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आ गया हूँ, आपका दोस्त समीर मलिक। ये अगर आप बर्ड्स के शौकीन हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ जिसमें आप घर पे ही ऑटोमेटिक पानी फीडर बना सकते हैं। जैसे मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप ऑटोमेटिक पानी फीडर का वीडियो बनाइए, तो मैं फिर से आ गया हूँ। ऑटोमेटिक पानी फीडर मैं आज आपको दो प्रकार का ऑटोमेटिक पानी फीडर बनाने को बताऊंगा, जिसको आप घर में आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो ये जो बर्ड्स लोगों का आता है रेडीमेड ऑटोमेटिक कटोरा, जो आप ले सकते हैं, जिसकी चौड़ाई थोड़ी सी लंबी रहती है। इस पे आप ऐसा बोतल टांग सकते हैं, और अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ये कटोरे से भी काम चला सकते हैं। दोनों अपने अपने जगह बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि ये ही चाहिए, ये भी होने से चलेगा आपको। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। ये कटोरे पे हुक रहता है लगाने का, ये हुक है, आप इसको लगा दिए, और ये बोतल के ऊपर में टॉप में तार लगा हुआ है, जैसे कि अपन तार को ऐसे करके निकाल लें, ये ऐसा करके ये बाहर आ जाएगा। ये बोतल के लास्ट में ढक्कन लगा है, और मैंने छेदा का पॉइंट ये यहाँ पे छेदा किया है, एक एयर आने के लिए एक छेदा यहाँ पर है। अब अपन ढक्कन खोलेंगे और इसमें पानी डालेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ पानी ले लिया है, ये और ये बोतल भी भर लिया है। अब आपको इनको कुछ इस तरह से लगाना होगा, ये अपन यहाँ फंसा दिया ऐसा, और इस बोतल को गौर से देखिएगा, ये पानी गिर रहा है, ये यहाँ गया, और ये मैंने ये तार यहाँ पे ऑटोमेटिक लगा रखा है, ये तार यहाँ ऐसा रख दी। अब ये कबूतर जैसे यहाँ से सक करेगा पानी, बोतल से धीरे 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 उतर के खाली हो जाएगा। ये दिन भर चलेगा आपका पानी। सेम प्रोसेस इसका भी है, ये सेम है। ये मैंने यहाँ पर इसको बांधा है, ये देखिए ये निकलता है, ये कटोरी है, और ये दाना तो आप सुबह और शाम दो टाइम दे, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दाना अगर रहता है रात को तो चूहे वगैरह आते हैं उसके पास, थोड़ा अच्छा नहीं है। ये देखिए मेरे बाकी मक्खी के पैर वगैरह। वो जो मैंने बताया वो तो केज में रखने के लिए था, अब आपको बताता हूँ ग्रुप में रखने के लिए आप कैसे पानी फीडर बना सकते हैं। ये एक बोतल लेना है, इस बोतल को यहाँ से बांध दिए अपन, ये इस जगह पे कीलर डाल के ऐसा निकल जाएगा, ये आसानी से निकल जाएगा ऐसा, और ये बोतल है, देखिए डब्बा है। अब इसको मैं आपको भर के बताता हूँ। देखिए, इसमें ख़ास बात ये होनी चाहिए कि ये एक पाइप रहेगा जो कि आधा थोड़ा सा तिरछा कटा रहेगा इस टाइप का, ताकि पानी यहाँ तक आए तो यहाँ से एयर जा सके। मैं दिखाता हूँ आपको, ये अपन पहले ये रखे, यहाँ से इस टाइप का कट करना पड़ेगा आपको बोतल, और ये इसको ऐसे ले करके अपन ऐसे उल्टा डाल दिए। पाइप का पॉइंट सेम यहाँ पर आना चाहिए इस जगह पे। अब देखिएगा कबूतर कैसे पानी पीते हैं। देखिए, जैसे जैसे पानी पीते जाएंगे वैसे वैसे उतरता जाएगा। देखिए दोस्तों, उसने पानी पी लिया, जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे ये उतरता जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे बताइएगा, या किसी को समझ में नहीं आता है तो भी बताइएगा, मैं बोतल कटिंग करके बना करके आपको टोटल समझा दूंगा।
ये मेरा एक लखा है कत्थे कलर का, ये मेरा एक ऑस्ट्रेलियन का पेयर है जिसमें से इसकी गर्दन तोड़ की बीमारी हो गई है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि गर्दन तोड़ इसको इतना ज़्यादा था कि ये सिर उठा नहीं पाता था। अभी ये पहले से बेहतर है, इसमें क्या खाने को देना है, कैसे रखना है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। कई बार अगर अपन अच्छे से देख रेख करें तो वो भी अपन इसको ठीक कर सकते हैं। ये मेल है, बहुत ही अच्छा मेल है ऑस्ट्रेलियन का, और क्या क्या करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसके बारे में। ये मेरा येलो मुखी का पेयर है। आपको बता दूं कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं चिकन पॉक्स और गर्दन तोड़ की बीमारी ठीक नहीं होती, बट अपन कोशिश करें तो ठीक हो सकता है। जैसे कि मैंने वो गर्दन तोड़ का इलाज करके उसको बहुत हद तक ले आया है, और इसमें बहुत ज़्यादा चिकन पॉक्स थे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए पॉक्स जो है पैर में और चोंच में होता है, धीरे धीरे चोंच टूट जाता है इसका और पैर भी ख़राब हो जाते हैं। तो क्या करने से ठीक होगा ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। और मैंने इसको बहुत हद तक लाइन पर ले आया है, देखिए ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मुखी है ये, देखिए। ओके, तो बताइएगा कैसा लगा, धन्यवाद।